नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा गांधी मैदान मोतिहारी से जिले के 30 चयनित प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ियों को पटना भेजने हेतु बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विदित होगी कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा जिला फुटबॉल एसोसिएशन एवं स्थानीय खिलाड़ियों के सहयोग से आयोजित फुटबॉल खिलाड़ियों का टैलेंट प्रतिभावान 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया। वहीं राजस्तरीय पटना में 25 अप्रैल एवं 26 अप्रैल 2022 को फुटबॉल ट्रायल 12 बजे से 18 आयु वर्ग तक में भाग लेने हेतु मोतिहारी जिला से प्रतिभावान खिलाड़ियों को पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना भेजा गया। वहीं इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, नगर आयुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं इत्यादि लोग वहाँ पर उपस्थित थे। त्रुत लाइव संवाददाता नितेश वर्मा की रिपोर्ट। बने रही त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। तरफ से जो है बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में जो फुटबॉल में टैलेंट सर्च जो राज्य स्तरीय किए जाने वाले हैं पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो एक 30 बच्चों का स्क्वाड जो है 12 से 16 साल के मैक्सिमम इसमें बच्चे हैं वो लोग वहाँ जाएंगे। इसमें से जो ट्रायल में सेलेक्ट होंगे उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रॉपर फुटबॉल का, और फिर जो है एक्सपोजर इनको अलग कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर होगा, कोचिंग का एक्सपोजर दिया जाएगा और इनका हेल्थ न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बिहार जो है एक अच्छा फुटबॉल के लिए भी प्लेटफॉर्म या एक राज्य जो है बनकर उभर कर आए। मैं सभी जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे आए हुए और जो इतने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे जो है राज्य स्तरीय कैंप में सिलेक्ट हो और राज्य स्तरीय टीम में सिलेक्ट हो जाए, इसके लिए प्रयास है और जिला प्रशासन उनको यहाँ से भेज रहा है। मैं यहाँ के खेल पदाधिकारी जो है, जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम जो है, जो समाज सेवी लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है। फुटबॉल एसोसिएशन ने भी जो है काफ़ी मदद इसमें सिलेक्शन में की है। जाने दो।